ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि जब हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार है तो हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए, न कि इनकी भाषण चाहिए, वरना 18 घंटे बाद ये दिल्ली के सड़कों पे तांडव होगा और कुछ न होगा, खाली सिर्फ तांडव होगा, और जो कभी तक नहीं हुआ था इतिहास में वो क्रांतिकारी यहाँ पे बैठे हैं। तो बीजेपी को वोट नौकरी के लिए दिए थे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए दिए थे? मैं बीजेपी को वोट इसलिए दिया था, मुझे लगा था कि युवाओं के भविष्य को सोचेंगे, लेकिन इन्होंने तो बेरोजगारी की रेट बहुत बढ़ा दी, जितनी कोई लिमिट नहीं है, हर चीजों में इतनी खराब कर दी, पाकिस्तान जैसे गरीब देशों से, भूटान जैसे गरीब देशों से इनकी बदतर स्थिति हो गई है। तो इसलिए हम इनको बताना चाहेंगे कि अभी आपको 18 घंटे का मौका दिया हूँ, आप जल्द से जल्द इन युवाओं को त्वरित कार्यवाही करते हुए इन जो युवा यहाँ पे हैं कल तक आ जाते हैं उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए, वरना यह आंदोलन बहुत विकार रूप ले लेगा। तो आप मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं देश का एक नौजवान युवक हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं करने दिया जा रहा है, इसके लिए मुझे मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ेगा, अपने हक मांगना पड़ेगा। बीजेपी सरकार हिंदू धर्म की रक्षा कर रही है, सब धर्मों की रक्षा करनी चाहिए, कोई एक धर्म इनकी रिलीजियस नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, ये हमारी नारा है, ऐसा कोई नहीं है हिंदू धर्म का। लेकिन सबसे पहले मेरी एक ही बात है, हम 11 महीने हो गए, हम आपसे 18 घंटे दिए हैं, क्योंकि आपने बहुत मुझे समय दिया, लेकिन मैं भी आपको समय देता हूँ 18 घंटे, वरना इससे दूना स्टूडेंट कल आएंगे और सिर्फ दिल्ली में तांडा होगा, जहाँ नहीं तहाँ होगा, फिर आज तक का कभी इतिहास ऐसा नहीं होगा कि जो कल का इतिहास गवाह होगा। सरकार को माननी पड़ेगी, हम बार बार बता देते हैं, सरकार को माननी पड़ेगी, वरना सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और नाश्ते नाबूद भी कर देंगे, और कल तो कल ये दिल्ली में क्रांतिकारियों का आंदोलन होगा जो कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कल क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि कल बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा। अब आपको बता देते हैं कि कल आप 10 बजे आ जाइएगा और फिर इस दिल्ली में एसएससी जीडी सिर्फ मुद्दा दिखेगी, सीधे संसद से लेकर के पूरे विश्व में वोट उठ सकता है, ये युवाओं की जान भी जा सकती है, लेकिन हटेंगे नहीं। 11 महीने हो गए सर सड़कों पे आप यहाँ संघर्ष कर रहे, सरकार नहीं सुन रही, सरकार निकम्मी है, सरकार बारी है, सरकार गूंगी है, इसको वोट चाहिए तो मुझे जॉब चाहिए, अगर मैं आपको नौकरी आपको मैं सत्ता में लाया हूँ तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना 2022 दूर नहीं है और 2024 में दूर नहीं है, उखाड़ कर ऐसा फेंकूंगा ना कि सत्ता में कभी बीजेपी सरकार आने की भी नौबत नहीं होगी। लेकिन वो तो मंदिर मंदिर घूम रही है सर, मंदिर मंदिर घूमे, मस्जिद मस्जिद घूमे, कुछ भी घूमे, लेकिन हमें सिर्फ एसएससी जीडी ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे 11 महीना हो गया प्रोटेस्ट, हम मुझे कुछ नहीं, मुझे देश की सेवा करना है और मुझे बस सिर्फ देश सेवा करने के लिए एक वर्दी चाहिए, वरना कल 10 बजे इस दिल्ली के सड़कों पे आक्रामक रूप लेंगे हम लोग भगत सिंह का रूप धारण कर लेंगे, फिर कोई माइक लाल यहाँ बचा नहीं सकता, चाहे कितना भी पैरामिलिट्री लगा देंगे, चाहे कितना भी दिल्ली पुलिस लगा देंगे, क्योंकि मैं भी एक पैरामिलिट्री फोर्स से हूँ, मुझे इन्होंने वर्दी नहीं दिया है, वर्दी से वंचित किया है। वाकई में सरकार के पास नौकरियां है नहीं या देना नहीं चाहती? नौकरियां तो बहुत है, मैं गारंटी देता हूँ, इन्होंने अभी वैकेंसी निकाली थी 2021 में निकाली है, 2023 में इन्होंने फिर वैकेंसी निकाल रही है, 2023 में फिर वैकेंसी निकाल रही है, हमारी 3.5 साल क्यों लगा दिए, क्यों? क्योंकि मैंने SSC GD और रिटर्न मेडिकल फिजिकल क्वालिफाइड कर दिया, इसलिए हम लोग गलत है क्या? गलत है, मुझे ज्वाइनिंग दो, वरना गृह मंत्रालय से लेकर संसद तक सिर्फ SSC GD और उखाड़ कर फेंकेंगे बीजेपी सरकार को, 5 राज्यों में चुनाव है ना, उखाड़ करके एक एक वोट के लिए मुस्तैद कर देंगे इनको, जान लीजिए हम ऐसे स्टूडेंट हैं, गुस्सा बहुत हो गया, जिसकी परिवार की स्थिति नहीं चाहिए, यहाँ स्टूडेंटों की क्या परिवार की स्थिति चाहिए क्या, ये लोग कैसे आते हैं, कर्जा लेकर के भाड़ा किराया लगाते हैं, वहाँ से आते हैं, इनको कोई देता है क्या, कोई इनके लिए क्या संसद निधि खोले है क्या, कि इनको संसद निधि से वेतन मिलता है 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 9-9 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलता है आवास के लिए। तो बात हुई सरकार के, कहीं सरकार बात ही नहीं करती है, बात ही करती तो कुछ बात करती, लेकिन उसको सब पता है, क्योंकि यहाँ की एक एक पल की सिकट जाती है सरकार को, लेकिन सरकार को कल ये भी एक पल की दिक्कत जाएगी कि आंदोलन बहुत खराब हो जाएगा। राजनाथ सिंह से तो मिले थे आप? हाँ, राजनाथ सिंह से, वो कह रहा है कि हमारे बस की बाहर की बात है, जब चुनाव आता है तो पैर
पकड़ के कहेंगे और दे दीजिए, तब इनकी बात की बात आती है। अब तो रक्षा मंत्री हो गए, इन्हीं के सरकार में हमारी भर्ती निकली हुई थी। उस समय जब गृह मंत्री थे तो राजनाथ सिंह ही थे, अब रक्षा मंत्री हो गए हैं, उन्हीं के समय का वैकेंसी है। और उन्होंने तो आश्वासन दिया था आप लोगों को, आश्वासन कुछ नहीं दिए, बस कहे हमारे हमारे अंडर में नहीं आता है, हमारे अंडर में आता तो हम कुछ सोचते, अंडर नहीं आता तो अमित शाह से बात कीजिए ना, क्यों खाली खाली झूठा आश्वासन दोगे, 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, 7 साल हो गया, 2-7-14 करोड़ का जब नौकरी दिखाओ। कोई बीजेपी का ऐसा मुखिया है जो आके दिखाएगा, कोई मंत्री है जो बीजेपी का दिखाएगा 14 करोड़ नौकरियां कहाँ है? कोई विपक्ष का लोग भी आ रहे हैं कि आपका समर्थन करने? हमारे साथ विपक्ष का हमारा जो भी बड़े भाई मुझे हमारे दुख दर्द समझ रहे हैं जो आ रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से उनके शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाऊंगा, जो मेरा साथ खड़ा है मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। कोई आ रहा है विपक्ष में? हाँ, कौन आ रहा? हमारे भीम आर्मी पार्टी के चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, जो कि आंदोलन को उग्र करेंगे और इस आंदोलन को विकार रूप ले लेगा, और दिल्ली में कोई भी रुक नहीं सकता, ये दिल्ली में बहुत बड़ा आग लगेगी और बहुत बड़ा तांडव होगा, भगत सिंह रूप हम लोग धारण कर चुके हैं। जब कभी भी जिक्रो शहीदों का, काश आपका भी नाम है।